वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन ओनियन की एक बहुत ही यमी रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना कुकर जो है गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हम अब मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे और इसे गर्म कर देंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, हम इसमें अपने तेज पत्ते ऐड कर देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ में काली मिर्च और जीरा ऐड कर देंगे। अब हम अपने स्लाइस किए हुए ऑनियंस भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें अपने जो हमने गार्लिक के लीव्स लिए थे वो ऐड कर देंगे, साथ ही गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसे हम एक मिक्सर लगा देंगे। हमने जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसे एक विसल तक हमने पका देना है। जैसे ही हमारी विसल आएगी हमने वैसे ही गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने कुकर का ढक्कन जो है खोल दिया है, तो हमारे ओनियन थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें थोड़ी देर तक भून लेंगे। अब हम अपना मटन जो है ब्रेक में ऐड कर देंगे और पानी से देखिए फ्रेंड, हमारा मटन जो है थोड़ा भून चुका है। अब हम इसके सारे अपने से मसाले ऐड करते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब हम इसके बाद से भूनने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे से ना भून जाए और मटन के साथ मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा मीट और मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास जो है वाटर का ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 विसल आने तक हम पका देंगे, जब तक हमारा जो मीट है सॉफ्ट ना हो जाए। हमारे कुकर की जो है 3 विसल्स लग चुकी है और हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम ठंडा होने के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने प्रेशर को रिलीज कर दिया है, हमारा मटन जो है कुक हो चुका है। अब हम इसमें जो है गर्म मसाला ऐड कर देंगे, साथ ही हम हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ा हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटन विद ओनियन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।